अगर दोस्तों आप लोग जनसेवा केंद्र या साइबर कैफे खोलना चाहते हो तो आप लोगों के पास एक बेहतरीन मौका है जिसका रजिस्ट्रेशन करंटली ओपन है और बिल्कुल फ्री है। अगर दोस्तों आप लोग ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के बारे में जानना चाहते हो कि ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर क्या होता है, क्या क्या सुविधा होती है जो अपने ग्राहक को दे पाएंगे, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आप स्टेट गवर्नमेंट की सारी सुविधा का लाभ अपने ग्राहक को दे सकते हो, जैसे आय, जात, निवास, राशन कार्ड, चेतौनी, इस संबंधी आप स्टेट गवर्नमेंट की सारी सुविधा का लाभ अपने ग्राहक को दे पाएंगे। दोस्तों कुछ दिन पहले सीएससी के द्वारा एक ट्वीट किया था जहां पर लिखा गया था आल सीएससी वेली टेक एडवांटेज, और वहां पर एक फोटो भी अपलोड किया गया था जिसमें लिखा था सीएससी के सभी सक्रिय वेली निःशुल्क ई डिस्ट्रिक्ट आईडी के लिए आवेदन कर सकते हैं, उसके आगे लिखा गया था कि शीघ्र आवेदन करें। तो दोस्तों आप लोग कैसे आवेदन कर सकते हैं उसी के बारे में हमने इस वीडियो के अंदर बताया है। अगर दोस्तों आपको फ्री में जनसेवा केंद्र लेना है दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर देना जिससे दोस्तों जब भी कोई वीडियो चैनल पर अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे आप फ्री में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कैसे आप यूजर आईडी पासवर्ड लिख सकते हैं। दोस्तों रजिस्ट्रेशन करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। जैसे दोस्तों आप लोग देख सकते हो जो सीएससी की ओर से ट्वीट आया है उसमें नीचे लिखा गया है यह सेवा केवल 40 जनपदों के लिए मान्य है। तो दोस्तों ये 40 जनपद कौन है जिनमें ये सेवा मान्य, मैं आप लोगों को 40 जनपद दिखा देता हूँ। जैसे दोस्तों आप लोग edistrict.upi.cscloud.in की वेबसाइट पर आएंगे तो वेबसाइट का इंटरफेस आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा जैसे कि आप लोग देख सकते हो। दोस्तों आपको इस वेबसाइट के नीचे आ जाना है, यानी आपको नीचे स्क्रोल करना है। जैसे दोस्तों आप नीचे स्क्रोल करेंगे तो आपको नीचे दिखाई पड़ जाएगा रजिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट लिस्ट, आपको यहाँ पर वो डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगी जहां से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अगर दोस्तों आप लोग इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते तो आप लोग दोस्तों यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और फ्री में जनसेवा केंद्र की आईडी ले सकते हैं। तो दोस्तों अब आप लोगों को बता देते हैं कैसे आप लोग जनसेवा केंद्र के लिए ऑनलाइन करेंगे। ऑनलाइन करने के लिए दोस्तों आपको ऊपर आना है। जैसे दोस्तों आप ऊपर आएंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा लॉग इन पे डिजिटल सेवा कनेक्ट, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप ऊपर क्लिक करेंगे तो आप सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा जहां पर आपने सीएससी की आईडी पासवर्ड को डालकर लॉगिन करना होगा। जैसे दोस्तों आप ऊपर सीएससी आईडी के पासवर्ड को डालकर लॉगिन करेंगे तो आप सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा जैसे कि आप लोग देख सकते हो, जहां पर आपकी सीएससी आईडी दी होगी, यूजर टाइप दिया होगा, ईमेल दिया होगा और यहाँ पर लास्ट एक्टिव दिखाई पड़ेगा किस टाइम आप एक्टिव थे और यहाँ पर सारी डिटेल आपको दिखाई पड़ रही। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ से प्रोसीड कर देना है। जैसे दोस्तों आप प्रोसीड करेंगे तो आप सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। दोस्तों रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर पेज ओपन हो चुका है तो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ा है रूरल और अर्बन। दोस्तों आप जैसे अगर आप रूरल है या अर्बन है तो आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको जैसे अपना नाम डाल देना है, आपका जो भी नाम है आपको अपना फुल नाम यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद दोस्तों आपको अपनी ईमेल आईडी डालना है, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से अपनी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद अपना ब्लॉक सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद दोस्तों ग्राम पंचायत को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको विलेज को सिलेक्ट करना है। इतना काम करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। जैसे दोस्तों आप सबसे नीचे आएंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा आर यू ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड वर्किंग ई डिस्ट्रिक्ट सर्विस यूपी। अगर दोस्तों आप लोग पहले से ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल ले रखे हैं किसी कंपनी के द्वारा तो दोस्तों आपको यहाँ पर इन्फॉर्म करना होगा। अगर आप ले रखे तो आपको यस पर क्लिक करना है, अगर आप नहीं लिए तो दोस्तों आपको नो पर क्लिक करना है, उसके बाद दोस्तों आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप सबमिट पर क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों आपके आपसे लगभग 1 रुपया मांगा जाएगा, तो दोस्तों आपको 1 रुपया कटवा देना है। उसके बाद दोस्तों आपको एक रेफरेंस नंबर जारी हो जाएगा तो आपको उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, फिर आपको प्रिंट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ दिन वेट करना है, उसके बाद आपको फ्री का जनसेवा केंद्र के यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, आपने पोर्टल में लॉग इन करने के बाद आप उसे उपयोग कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को पता चल गया होगा किस तरह से हम फ्री का जनसेवा केंद्र की आईडी ले सकते हैं। अगर दोस्तों आपको इस विषय में कोई भी कंफ्यूजन है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए, हम उसका रिप्लाई आपको जरूर देंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर देना जिससे दोस्तों जब भी कोई वीडियो चैनल पर अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।